संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम चलेंगे चिड़ियाघर के अस्पताल और आहार गोदाम में, ये देखने कि यहाँ की पशुओं की देखभाल के लिए किन सुविधाओं की जरूरत होती है। कहा जाता है कि किसी भी चिड़ियाघर के सफलता का राज होता है वहां का अस्पताल और पशुओं के आहार का प्रबंधन। चिड़ियाघर के इस अस्पताल में पशुओं के उपचार के अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण कामों की जिम्मेवारी होती है, जैसे ये क्वारंटीन सेंटर जहां बाहर से आए जानवरों को कुछ महीनों तक जू के डॉक्टरों के देखभाल में रखा जाता है। इस अस्पताल में आधुनिक शल्य चिकित्सा कक्ष और एक्सरे कक्ष मौजूद है। यहाँ वन प्राणियों के उपचार के अलावा ऐसे जानवरों के बच्चों की देखभाल कर उन्हें हैंड रियरिंग किया जाता है जिनकी माँ उन्हें छोड़ देती है। जरूरत पड़ने पर अगर किसी खतरनाक जानवर को पकड़ा जाता है तो उसको ट्रैंकुलाइज करने की जिम्मेवारी भी जू के डॉक्टरों की ही होती है। पशु चिकित्सालय का स्थापना का मुख्य उद्देश्य उद्यान अंतर्गत रह रहे पशु पक्षियों के स्वास्थ्य का पूर्ण रूपेण से ख्याल रखना, चाहे वह उसका न्यूट्रिशन हो, चाहे उसका रूटीन वे में जांच का काम हो, या वैसे पशु जो किसी कारणवश रोगग्रस्त हो गए हों उनको ला करके इलाज करना। इन सब के अलावा कोई पशु ऐसे भी होते हैं जो बच्चा जन्मने के बाद अपने बच्चे को केयर भी नहीं करते या उन्हें छोड़ देते हैं, जिसे मदर रिजेक्शन आप कह सकते हैं। उन बच्चों को वहाँ से ला करके पुनः परवरिश करना, बड़ा करना और बड़े हो जाने के बाद पुनः दर्शकों होती उन्हें उपस्थापित करने का भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है। इन जिम्मेवारियों के अलावा वन्य जीव जो कि जंगलों से भटक जाते हैं उनको इलाज हेतु या उनके स्वास्थ्य हेतु पूरे बिहार से पटना संजय गांधी जैविक उद्यान में ऐसे पशु लाकर रखे जाते हैं और उन पशुओं को सही रूप से इलाज करने के बाद जब ये माना जाता है कि अब ये पुनः जंगल में स्थापित हो सकते हैं या उनको दर्शकों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है तो फिर हम उनका उपयोग करते हैं। चिड़ियाघर का एक अहम हिस्सा है यहाँ का आहार गोदाम। इस जू के आहार गोदाम से वन प्राणियों के लिए नियमित जांच के बाद शुद्ध गुणवत्ता वाले स्वच्छ एवं उचित मात्रा में पशुओं के लिए भोजन उपलब्ध कराया जाता है। गोदाम के अंदर मापतौल, भंडारण और भोज्य पदार्थों के पकाने की समुचित व्यवस्था है। पशु चारा की कटाई कर जानवरों को दिया जाता है। पूरी गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया जाता है। मांसाहारी जंतुओं को मांस उबालने के उपरांत दिया जाता है। मांसाहारी जंतुओं को महिष मांस, मछली, गिनी पिग और मुर्गी के चूजे दिए जाते हैं। पक्षियों को बाजरा, चना सत्तू, पोल्ट्री फीड, केला, पपीता, गेहूं, पालक और छोटी मूंगफली दी जाती है। बंदरों को मूंगफली और ताजे फल दिए जाते हैं। शाकाहारी जंतुओं को डियर मैश, चना, गेहूं का भूसा, धान भूसा, घास और अन्य सामग्री दिए जाते हैं। फूड गोडाउन किसी भी जू के हेल्थ का एक पैरामीटर होता है। हमारा जो फूड गोडाउन पहले से था ये पुराना हो गया था और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है और एक नए लुक में उसे देने का प्रयास किया है।
जो उसका फूड गोडाउन में बेसिक उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे डीप फ्रीजर है या उसके माप तौल के लिए व्यवस्था, सैनिटेशन, इन सभी चीज़ों पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। जो प्रतिदिन वहाँ पे खाना आता है तो उसका वजन करना, टाइमली उसे भेजने के लिए, उसका प्रिपरेशन के लिए एक अलग से एक पूरी टीम काम करती है, जो जानवरों के उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चार्ट से मिलान करके सभी खानों को अलग अलग ग्रेड में बनाकर और सभी को जानवर के उसके इनक्लोजर तक पहुंचाया जाता है। इनका रिक्वायरमेंट सीजन के हिसाब से भी वैरी करता है, उनके साइज के हिसाब से वैरी करता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन उसके सप्लीमेंट से उन्हें दिया जाता है। इसके लिए एक फुल टाइम वहाँ पे फॉरेस्टर हैं, रेंज ऑफिसर देखते हैं और वेटनरियन भी उसके क्वालिटी की जाँच करते रहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का परिणाम है कि पटना जू में जो भी एनिमल्स है वो काफ़ी अच्छे से ब्रीड कर रहे हैं और हम लोगों का सतत प्रयास है कि इसमें हम लोग गुणवत्ता में और सुधार करते जाएं। आज के कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे जू आउटरीच प्रोग्राम के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।